लॉ ऑफ 33%, ये मेरा लाइफ सक्सेस का एक सेशन है और इसे काफ़ी हज़ारों लोग इसे बेनिफिट हुआ है, तो आज इसके बारे में देखते हैं। और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आया क्योंकि मैं ये हिंदी में ये जो लेसन बनाया नहीं है, तो आज मैं बना रहा हूँ लॉ ऑफ 33%। हमारा लाइफ में लॉ ऑफ 33% होना चाहिए। ये क्या है लॉ ऑफ 33%? ये होता है हमारा फ्रेंड्स, हमारे समय, हम जो समय देते हैं, ये दोनों के ऊपर है। मतलब आपके पास जिस तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए वो एक हो गया, और किस तरह का समय आपको बांटना चाहिए ये दो हो गया। नंबर वन, आपके पास तीन तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए। 100 को हम लोग 3 गुने में डिवाइड करते हैं तो 33% होता है। तो सिंपल है ये लॉ ऑफ 33%, 100 / 33, दैट इज़ लॉ ऑफ 33%। यानी कि अगर आपके पास 100 फ्रेंड्स हैं या आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं, उसमें तीन 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 फ्रेंड कैसे होना चाहिए ये हम लोग देखते हैं आज। देखिए, ये जो क्यों चाहिए, ये लॉ ऑफ 33% क्या है, ये आप करते करते आराम से आपको जो सक्सेस होना है वो पाथ पे आप चल सकते हो। ओके, उसके बारे में कुछ लोग इसके ऊपर नफरत करेंगे ये पॉइंट्स को, कुछ लोग इसको बोलेंगे वेरी सेल्फिश, जो भी हैं, लेकिन ये कोशिश उन्हीं के लिए हैं जिनको सक्सेसफुल होना है, समाज सेवा या फिर अलग अलग सोच है, शायद उनको ये बुरा लगेगा। कमिंग टू द पॉइंट, लॉ ऑफ सक्सेस ये होता है कि आपको तीन तरह का फ्रेंडशिप चाहिए। इसमें एक फ्रेंड्स होगा जो आपके लेवल के हैं, जो आपके लेवल की सोच विचार, पैसा, सक्सेस, प्रोफेशन, स्किल्स, ये सब चीज़ आपके लेवल पे होना चाहिए। इनके साथ आप जो भी डिस्कस करते हो, जब भी मिलते हो, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं बोलूँगा, डिस्कस होना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को, बताना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। ये हो गया एक सेट ऑफ फ्रेंड्स। अगर आपके पास 10 फ्रेंड्स है, उसमें तीन फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपके लेवल के, आपके प्रोफेशन के, आपके स्किल्स के, सब लेवल के हो। मैं रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना फैमिली मेम्बर्स की बात ना कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, जिनके साथ आप उठना बैठना, रेगुलर मिलना जुलना है ना, वैसे फ्रेंड्स होना चाहिए। ओके, बाकी का दो कैटेगरी क्या है? बाकी का कैटेगरी ये है कि आपको जहाँ पे जाना है, यू नो, आपको 20 साल के बाद, 10 साल के बाद आप किस तरह का अचीवमेंट चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसा होना चाहिए, उस तरह का तीन फ्रेंड होना चाहिए। जनरली सबके पास अपने लेवल के फ्रेंड्स होते हैं, बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन अपने से 20 साल आगे, मैं सिर्फ उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ, उनकी कामयाबी की बात कर रहा हूँ, जो लोग 20 साल आगे हैं उनका अपने वैसे अपने पास तीन फ्रेंड्स होना चाहिए। अगर 10 फ्रेंड्स आपका टोटल है, उसमें तीन फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा तीन फ्रेंड्स है? तो ठीक है, आप सक्सेस के रास्ते पे हो। अगर नहीं है, बहुत मुश्किल है। ओके, सो पहली चीज़ को आपको ढूंढना चाहिए कि ऐसा किस तरह का तीन फ्रेंड्स हैं जो आप, जो सपोज़ अगर कोई ट्रेनर है, यू नो, उनका 50,000-60,000 दिन का ट्रेनिंग का रेशियो है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका एक दिन का 10 लाख-15 लाख एक ट्रेनिंग का मिले, एक सेमिनार वो दें तो उसको उतना मिलना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या उनके पास उसके पास ऐसा कोई फ्रेंड्स है जो 10 लाख-12 लाख दिन का ट्रेनिंग का लेता है, ऐसा कोई फ्रेंड्स है क्या? अगर है तो ये पॉसिबल है, अगर नहीं है तो ये बहुत मुश्किल है। ओके, सो अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनके पास कैसे अप्रोच करना चाहिए, इनके पास ये कैसे आपका फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर इतना बड़े बड़े लोग आपको खड़ा भी नहीं करेंगे तो उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, किस तरह का आपको बिहेवियर करना पड़ेगा जिससे आप इनके साथ रह सकते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, तो उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन फ़िलहाल इतना बता देता हूँ, आपको 20 साल के बाद जिस तरह के लोग के साथ रहेंगे, ना ये फ्रेंड्स की आप जाके उनको मदद करोगे, सॉरी, आप उससे जाके पैसा लोगे, नौकरी पूछोगे, उस तरह का मैं फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ जो बात होती है, मिलना जुलना होता है, बस इस तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ने देखा आपके लेवल के फ्रेंड्स चाहिए, आपसे 20 साल के बाद आप जो सक्सेसफुल होगे उस तरह का फ्रेंड्स आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ आपके पास एक बंगलो है, उनके पास तीन बंगलो है, वैसा नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उनके पास 20 बंगलो है,
आपके पास 1 करोड़ है, उनके पास 20 करोड़ 25 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वैसे दोस्त के साथ आपको दोस्त होना चाहिए। 3, इसको नज़रअंदाज मत करना। बहुत लोग इसको फालतू समझते हैं और इसका सीरियसनेस नहीं जानते हैं कि लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस हो सकता है। आपके पास, आप बाइक में जाते हो और आपको कार में जाना चाहिए, तो आपके पास ऐसे ही फ्रेंड्स होना चाहिए, 3 फ्रेंड्स 30% फ्रेंड्स होना चाहिए जो कार में जाता आता हो। ओके, आपके पास टूटा फूटा कार है मिडिल रेंज की, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास जैगुआर हो, मेरे पास BMW हो, तो आपके पास ऐसा 3 फ्रेंड्स होना चाहिए जो जिसके पास जैगुआर हो, BMW, मैक, जो भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो बातें कर रहा हूँ ना, ये चलते चलते ऑटोमेटिकली आप अपना सक्सेस के रास्ते पे जा सकते हो, जिसका कोई कठिन रास्ता नहीं है, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। ओके ओके, एक हो गया आपने लेवल का, दूसरा हो गया आपसे बड़ा लेवल का, राइट, और तीसरा कौन है? तीसरा है आपसे बहुत ही गरीब, गरीब इन टर्म्स ऑफ, मैं मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे गरीब फ्रेंड्स भी है जिसका 1.5 लाख 2 लाख पगार है, यानी कि गलती से उनको ऐसा नौकरी मिल गया। सही जगह पे वो थे, उसके लिए उनको पगार मिल रहा है, यू नो, या इतना साल से काम करते थे इसके लिए पगार मिल रहा है। अगर वो काम छोड़ गया और कहीं पे भी उसको निकाल दिया, उनको कोई ज़िंदगी में, पूरा दुनिया में कोई पगार नहीं देगा उतना, राइट। गलती से एक जगह पे अटक जाते हैं, उनको पगार मिलता है, जैसे बहुत सारे लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स होता है, ठीक है। उसके अलावा वो बाहर जाके कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उतना पैसा और कहीं पर कमा नहीं पाएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके आप कहीं पे भी जॉब करते हो, लेकिन बाहर आने के बाद भी उतना कमा सकते हो, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, राइट, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बेफजूल बिना काम का, कोई कैलिबर नहीं है, खाली भर्ती पंचिंग करके पगार लेता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ये छोड़ दिए, टॉपिक ये नहीं है। गरीब मैं मतलब पैसा से, मैटिट्यूड से, टैलेंट से, स्किल से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा आपके पास 30% दोस्त होना चाहिए, 3 दोस्त ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों होना चाहिए, ठीक है, अभी तक तो बचपन में हमें सब कुछ सिखाया जाए, अच्छे अच्छे लोग के साथ बिहेव करो, अच्छे अच्छे लोग के साथ रहो, चलना वलना होना चाहिए, लेकिन ये जो कोर्स है ना, प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए आप आराम से कैसे सक्सेस पा सकते हो उसके रिलेटेड है। तो इसमें ये भी सिखाया जाता है कि आपको इस तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपसे बहुत कम है। ओके, लेकिन क्यों? मैं जब भी सेमिनार में, ट्रेनिंग में इसका जवाब पूछता हूँ, लेकिन मैं जो कारण बताने वाला हूँ इसका कोई जवाब नहीं देता है। फॉर एग्जांपल, कोई ये बोलता नहीं है कि अच्छा लगेगा, उनको हेल्प करना चाहिए, वो हमें फॉलो करेंगे, मदद करना चाहिए, ऐसे ही आंसर्स मिलता है, लेकिन बात वो नहीं है। आंसर ये है, बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि ये आप जो भी गलती करते हो आप दुनिया से नहीं सीख सकते हो, राइट, आप हमेशा हर गलती आप करते करते नहीं सीख सकते हो, इसके लिए आपको लोग चाहिए, राइट, यानी कि आपके पास बाकी लोग चाहिए, जैसे कि उनको देख के आपको सीखना चाहिए। हर गलती हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जब दूसरे को देखते हो, उन्होंने जो जो ज़िंदगी में गलतियाँ की, वो गलती आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इनसे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत सारे समय कम करता है और आप सीख जाते हो, राइट। मैं मेरे जितना भी बॉसेस की बात करूँ, मैं जिनके साथ काम किया, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं पिछले मेरे कॉलेज छोड़ने के बाद मैं इसको बहुत माइन्यूटली वॉच करता हूँ, उनकी माइंडसेट्स क्या है, किसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, खाली दिखावा करते हैं, यू नो, पीछे कुछ काम नहीं करेंगे लेकिन स्टेज में आके बातें करेंगे, राइट, और उनका इंटेंशन कुछ अलग होगा, और किस तरह का माइंडसेट वाले सक्सेस नहीं होते हैं, पैसा की ओर उनकी क्या सोच है, यू नो, और ज़्यादातर माना जाता है कि बहुत ही रिलीजियस पर्सन्स का परसेंटेज कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ऐसा एक कहा सर्वे है। ओके, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जनरल आप, यू नो, मैं इस दिन ये नहीं खाऊंगा, उस दिन वो नहीं खाऊंगा, मैं उसको करूंगा, इसने करूंगा, ये नॉर्मली इनका दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनका कभी रिच, अमीर, सक्सेसफुल, स्किलफुल, टैलेंटेड, पावरफुल, करिश्मा, ये बनने का कोई उनके पास कोई सोच होता नहीं है। ये सर्व इसमें बहुत
अपना प्राउड फील करते हैं कि मैं इस दिन ये नहीं करता हूँ, उस दिन वो नहीं करता हूँ, मैं इसको फॉलो करता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ। ये भी एक ग्रे मेंटालिटी की सोच है, राइट। आप ये मत पूछो कि बहुत अमीर वाले ये सब फॉलो नहीं करते हैं क्या, करते हैं, राइट। मैं उसमें नहीं आता हूँ, मैं जनरली आपको बताता हूँ, राइट, क्या होता है। सो ये जो बहुत लोअर लेवल के लोग होते हैं, इनकी सोच विचार क्या है, राइट। अभी जैसे कोई लेबर होगा, राइट, उनसे आप बात करिएगा, उनका सोच विचार क्या है। कभी आप रिक्शा में या फिर कभी ट्रैवल करते हो, या फिर कोई भी आप लो लेवल का, आपको लगता है कि ये लो लेवल का काम करते हैं, कभी बड़ा अमीर नहीं बन सकते हैं, उनसे बात करिए, उनकी मेंटालिटी मालूम पड़ेगा, वो क्या सोच रखते हैं, पूरा दिन करते क्या है, यू नो, उनका एटीट्यूड क्या है। बीवी को कभी बाहर नहीं भेजने का, राइट, बीवी घर पे खाली खाना वाना नहीं का, राइट। ऐसा बहुत सारे अलग अलग लड़कियों के बारे में उनको अलग सोच होता है, जिसकी वजह से उनकी कभी सक्सेस कभी सफल नहीं होती। ये सब चीज़ें आपको इनसे सीखना है, ओके। सो जब ये सब आप सीखोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना लाइफ में गलतियाँ कम करोगे, आप आगे जाओगे, ओके, और सक्सेसफुल पाओगे, ओके। तो आज हम लोग ने तीन चीज़ें का, आपके पास तीन तरह का फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको 20 ईयर्स के बाद जो सक्सेस होगा वैसे फ्रेंड्स होना चाहिए आपके पास, आपकी लेवल के फ्रेंड्स होना चाहिए जो आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, वैसे फ्रेंड्स होना चाहिए। और तीसरा फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपसे बहुत लो लेवल के हैं, गरीब है, वो होना चाहिए। मैं इनसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब सेल्फिश होना है इनसे, खाली सीखो, लेकिन दोस्त दोस्त अपना जगह पे यार, वो कभी चेंज नहीं करेगा अपने एटीट्यूड को, सोच विचार को, लेकिन आप उनके साथ रो, सीखो, दोस्त बने रहना, उसमें कोई गलत मत करना, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है, राइट। गरीब हो अमीर हो, दोस्त की तरह बिहेव करना, ओके। इसमें अभी इनके साथ, हरे के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए वो मैं बताता हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिंपल। जब भी आप ये गरीब लोग को सोचते हो, जो उनका एटीट्यूड अलग है, ये अलग है, जब भी उनको कभी भी आप थोड़ा देखो, मतलब दर ऐसा कहावत, डोंट ट्राई टू टीच अ पिग टू फ्लाई, राइट। उनको कभी उड़ाने की कोशिश मत करना, सिखाना मत, क्योंकि वो कभी कचरा में रह के आदत है, उनको कभी सीखने की आदत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं हमेशा राह देखते हैं कि बड़ा होने का, उनको आप मदद करो, लेकिन कुछ लोग को ऐसा एक स्लाइटली बताओ कि इसके अंदर कुछ है क्या सीखने लायक, सीखने के लिए तरस रहा है, कुछ समझने के लिए तरस रहा है, बता के छोड़ दो। अगर उसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो उसके पीछे मत पड़ो, ये आपकी ज़िंदगी ख़राब करेगा, सेकंड वो आपको काट डालेंगे, आपका दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि आपने उनको अच्छा करने के लिए किया, आप बुरा बन गए हो, ऐसा होगा, ओके। हाँ, सिर्फ दोस्त दोस्त की तरह रहना, बाकी कुछ उसको चेंज करने की कोशिश मत करना। जो करना चाहते हैं उनको हेल्प करो, नो डाउट, बट डोंट ट्राई टू टीच एवरीवन टू यू नो फ्लाई, नॉट पॉसिबल, ओके। कमिंग टू द पॉइंट, इनसे जब भी आप बात करते हो, एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, इनके हर बात मत सुनो, इनकी हर एडवाइस मत सुनो, ओके। दूसरा एक मैं एक मेरा वीडियो इसमें सेशन होगा, रिच फ्रेंड एंड फॉर पुअर फ्रेंड्स, रिच फ्रेंड कैसे कैसे सोचते हैं, पुअर फ्रेंड्स कैसे सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, ये सब होगा। लेकिन ये वीडियो में इतना काफ़ी है कि इतना समझ लो कि इनके बात, इनकी जो भी एडवाइस होगा आप सुनो मत, अगर उनकी जैसे बनना है इनका एडवाइस सुनना, ओके। हाँ, एक आध दो ठीक है, लेकिन जनरली इनका 90% एडवाइस आपको, सोच विचार आपको निकाल देना चाहिए, राइट। नंबर वन, अगर आपको इनकी जैसे बनना है तो सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको अमीर बनना है, सक्सेस बनना है, बहुत पावरफुल पर्सन बनना है, तो मत सुनना इनका, ओके, नंबर वन। फिर आपके लेवल के फ्रेंड से आप मिल सकते हो, डिस्कस करते हो, डिमांड कर सकते हो, थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ओके, आपके लेवल के फ्रेंड्स के, ओके। अभी आते हैं आपसे 20 साल सक्सेसफुल, 20 टाइम्स सक्सेसफुल लोगों के साथ जब भी आप मिलोगे, जिधर भी जो भी बंद करने का, चुपचाप बंद करके सुनते रहने का, वो जो बोलते हैं सुनते का, उनकी ऑब्जर्व करो, उनको समझने की कोशिश करो, ये चीज़ करना ज़रूरी है। जनरली होता क्या है मालूम है, ये लोग क्यों भगा देते हैं मालूम है, गरीब लोग को या पेचन लोग, क्योंकि इनको पता नहीं कहाँ पे जाके क्या बिहेव करना है, इसके लिए भगा देते हैं, ऊपर से उधर जाके अपना लाल करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझे ये नहीं चेता। अगर वो सक्सेसफुल रास्ते की कोई पॉलिसी बता रहा है तो चुपचाप सुनने का, राइट। अगर तुमको ऐसा बनना है, उधर जाके बोलते हो मैं इसमें सब यकीन नहीं करता हूँ, मेरे पॉलिसी अलग है, मेरे प्रिंसिपल अलग, घंटा अलग है, तो फिर तुम अभी तक उतना पैसा अलग क्यों नहीं बना, राइट। तुम्हारा पॉलिसी का वजह से क्यों चक्कर नहीं बना, चुपचाप सुनो, उनकी फॉलो करो, या चुपचाप सुन के आ जाओ, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको खड़ा नहीं करेगा, आपको अवॉइड करेगा। मेरा अलग अलग वीडियो है जिसमें बोलता हूँ आपके साथ कोई फ्रेंड्स आपको खड़ा नहीं करता है, फ्रेंड्स का मिस्टेक नहीं है, आपका मिस्टेक है,
ज़िंदगी में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, सबके सब आप 100% रिस्पॉन्सिबल हो। अगर वो लोग बड़े बड़े फ्रेंड्स आपको खड़ा नहीं करते हैं, तो आपके रिश्तेदार हैं। आपको सीखना पड़ेगा इनके साथ कैसे दोस्ती करें, राइट। ये बहुत ही पावरफुल लेसन है, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, और ये लॉ मैं फॉलो करके मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको फॉलो करिए एंड यू विल हैव अ वंडरफुल सक्सेसफुल लाइफ। ओके, कमिंग टू द पॉइंट नाउ। देखिए, जनरली व्हाट्सएप में देखे, यूट्यूब में देखे, इधर उधर एक एक वीडियो देखे, यू नो मोटिवेशनल कोट्स देखे, इंस्टाग्राम में देखे, कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। बहुत बहुत मुश्किल है, राइट। थोड़ा आर पार हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम फोकस लेके बहुत आर पार नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको हर एक को एक मेंटोर चाहिए, गुरु चाहिए। और आप ढूंढिएगा आपके लिए कौन गुरु है, आप किस तरह का बनना चाहते हो, वो जो क्वालिटीज़ उनके अंदर है, या फिर आप जो बनना चाहते हो वो उनके पास ऑलरेडी है, ऐसा ढूंढो और उनको जाके अप्रोच करो और उनसे सीखो। जब आप उनसे सीखते हो, आपका दो चीज़ बचेगा। एक तो आपका समय बचेगा, क्योंकि आप 10, 15 साल, 20 साल के बाद जो समझ में आएगा वो आपको एक साल में बता देंगे। मैंने ऐसा 20 साल गवाया है, 15 साल गवाया है, जो मुझे पहले ही ऐसा गुरु मिल जाता जो पॉइंट टू पॉइंट मुझे बताता, और 20-25 उम्र में बड़ा आदमी बन सकता था, लेकिन बहुत साल ख़त्म हुआ। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी भी कभी कुछ गलती नहीं, आप जल्दी से आपको जिस तरह का बन, अच्छा गुरु आपको कोई पकड़ में नहीं सिखाएगा, आपको उनका फीस देना पड़ेगा या फिर हमको हेल्प करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें अलग से। तो आप हर चीज़ सीखने के लिए गुरु मेंटर देखेगा, उसे सीखे, हाँ कैश लगेगा, पैसा लगेगा, फीस लगेगा, वो आपको देना है और आप सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट। हाँ, अपने आप को बाप समझता है, सब कुछ आता है, मैं करके दिखाऊंगा दुनिया को, और 50-60 साल के बाद याद आता है कि हाँ यार कुछ नहीं कर पाया, खाली मैं बात करते रह गया, अलग बात है। तब आपके पास ज़िंदगी ना समय रहेगी, ना पावर रहेगी, ना एनर्जी रहेगी। जल्दी से इस चीज़ को आप अप्लाई करो। आपकी कोई भी पहचान में जो भी मेंटर है, आप उनको जाके पूछो मुझे ये सिखाओ ऐसा। ओके, इनकेस अगर किसी को मेरा हेल्प ज़रूरत है और चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली कंसल्ट करूँ, ट्रेन करूँ, ये सब चीज़ बताऊँ, तो आप बिलो एक लिंक है और उसमें आप क्लिक करके वो सर्वे फॉर्म है वो फिलअप करिएगा। अगर अपना फिट बराबर है कि आप के लायक मैं हूँ या मेरे लायक आप है, हम लोग फिट हो सकते हैं, तो मैं आपको कॉल करूँगा और हम लोग आगे की बात कर सकते हैं, राइट। मैं आपको कॉल करूँगा, बाकी डिस्कस कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू एंड इस चीज़ को फॉलो करिए, इट इज़ नॉट दैट सिंपल वन। थैंक यू सो मच।